नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिनों पहले अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर आम पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी शामिल हुए थे। अब हरीश रावत के इस पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई है। एक दूसरे को आम खिलाते हुए इनके कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता नाराजगी जता चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन सब से बेहद नाराज हैं। हरक सिंह रावत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मेरे खिलाफ ईडी और सीबीआई का छापा इन्हीं लोगों की देन है। तंज कसने में पूर्व विधायक और हरीश रावत के करीबी रहे कांग्रेस नेता रंजीत पवार भी पीछे नहीं रहे। हरक ने तो खुलकर अपना दर्द बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी रहे देवेंद्र यादव के समय कांग्रेस पार्टी भर्ती घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उस समय पार्टी के यह नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया की तारीफ करते थे। कांग्रेस नेता रंजीत सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की वरिष्ठ नेताओं की इस तरह की गतिविधियों से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि कार्यशैली कमजोर है, पार्टी को इस बारे में गहनता से सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले चुनाव में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही है, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं, सबसे मोहब्बत करनी चाहिए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की आम पार्टी से खास बता रहे हैं। कभी वो हमारे खास थे, कभी हमारे सलाहकार थे, हमने उनकी काफी सलाह मानी है, उनकी सलाह के लिए धन्यवाद। बाकी कुछ लोग विशिष्ट राजनीति करने वाले होते हैं, उनका अपना अलग नजरिया होता है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।